हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी के लिए मैंने तीन शानदार स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। ये तीनों स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पर खड़े हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जान लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं आज क्या हुआ है निफ्टी में। निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद में ये निफ्टी ऊपर गया थोड़ी देर के लिए और उसके बाद में ये नीचे की जो यात्रा इसने शुरू की, कहीं पे भी इसमें स्ट्रेंथ के साइन नहीं आए और ये बिल्कुल नीचे ही नीचे आता चला गया। और हमारा एसएल लेवल था 11,850 का, 11,850 के पास ये पहुंचा नहीं, 11,867 का लो आज निफ्टी ने लगाया है, तो हमारा एसएल मात्र 17 पॉइंट से बचा है। अब जान लेते हैं निफ्टी की कल की व्यू। निफ्टी का कल का व्यू भी मेरा बिल्कुल बुलिश है और इसका जो एसएल रहेगा, अगर आप इसमें काम करते हैं बुल्स के साइड में, तो आपको एसएल जो लगाना है वो यही रहेगा। इसी एसएल के साथ आप काम करेंगे, 11,850 के एसएल के साथ में आप इसमें अप साइड की पोजीशन बना सकते हैं। अब जान लेते हैं बैंक निफ्टी का व्यू। ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और देख लेते हैं आज क्या होगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरह गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद में ये ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद में इसमें एक नीचे की डाउन मूव आई और डाउन मूव आती चली गई, कहीं पे भी इसने स्ट्रेंथ के साइन नहीं दिखाए, फिर ये कंसोलिडेट करता रहा पूरे दिन भर और इसने हमारे एसएल को सिर्फ 50 पॉइंट से मिस किया है। हमारा एसएल था 23,500, तो 23,500 एसएल हमारा इंटैक्ट रहा और इसने बैंक निफ्टी ने इस एसएल को नहीं छुआ है। अब जान लेते हैं बैंक निफ्टी का कल का व्यू। बैंक निफ्टी का कल का व्यू हमारा बिल्कुल बुलिश ही रहेगा और इसका एसएल हमारा मात्र कह सकते हैं 200 पॉइंट का एसएल है। एसएल हमारा 23,500 ही रहेगा और अभी बैंक निफ्टी का वैल्यू चल रहा है 23,700, तो मात्र 200 पॉइंट का हमारा एसएल है और इसमें अपमूव आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। बिल्कुल निफ्टी की तरह ही ये अपनी अपमूव को ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। 12th अक्टूबर की हमारी पहली रिकमेंडेशन थी एलएनटी को बाय करना था। एलएनटी का एसएल था 899 और इसके टारगेट थे 917, 928 एंड 942। इसने 915 का आज हाई लगाया है, हमारे फर्स्ट टारगेट को इसने अचीव किया है। देख लेते हैं इसका चार्ट। यह एलएनटी का 5 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली थी बाइंग की, उसके बाद में ये ऊपर ही चला गया और इसके बाद में ये जो कैंडल बनी है उसने वीकनेस के साइन दिखाए और पूरे दिन भर इसमें वीकनेस ही बनी रही। हमारी दूसरी रिकमेंडेशन थी ग्रासिम। ग्रासिम को सेल करना था 749 से 754 के लेवल पे। इसका एसएल था 760 और इसके टारगेट थे 742, 732 एंड 722। आज इसने 738 का लो लगाया, इसने हमें बहुत ही अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी थी। देख लेते हैं इसका चार्ट। यह ग्रासिम का 5 मिनट का चार्ट देख सकते हैं। मॉर्निंग में ही इसने सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दी, उसके बाद में ये नीचे ही नीचे आता चला गया और इसमें कहीं पे भी स्ट्रेंथ के साइन नहीं दिखाए, दिन भर एक ये सीमित दायरे में ही काम करता रहा। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन थी LIC हाउसिंग फाइनेंस, से बाय करना था। इसका एसएल था 300 और इसके टारगेट थे 312, 318 एंड 324। आज इसने जस्ट हमारे फर्स्ट टारगेट को टच किया है लेकिन ये 5 पैसे से मिस हो गया, तो हम इसे एसएल ही मानेंगे। यह है LIC हाउसिंग का चार्ट और देख सकते हैं यहाँ पे इसने काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दी, उसके बाद में ये ऊपर चला गया और हमारे फर्स्ट टारगेट से 5 पैसे इसने मिस किए और फिर इसने हमारे एसएल को हिट किया है, तो हम इसे टारगेट अचीव नहीं मानेंगे, हम इसे एसएल की टीम मानेंगे। 13 अक्टूबर की हमारी पहली रिकमेंडेशन सिप्ला। सिप्ला को हम बाय करेंगे मार्केट रेट पे। इसका एसएल रहेगा 805 और इसके टारगेट रहेंगे 819, 829 एंड 848। यह सिप्ला का डेली चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी स्ट्रेंथ इसमें बनी हुई है। इसका चार्ट हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पहले भी इसने मैंने रिकमेंड किया हुआ है और हमारे टारगेट को इसने पहले भी अचीव किया है, तो इसमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। RSI और वॉल्यूम दोनों ही काफी फेवरेबल है। हमारी दूसरी रिकमेंडेशन है SRT फाइनेंस। SRT फाइनेंस को बाय करना है। इसका एसएल रहेगा 654, इसके टारगेट रहेंगे 669, 676 एंड 682। यह है SRT फाइनेंस का चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी वीकनेस में रही है, फिर इसके बाद में काफी दिनों तक इनसे इसने कंसोलिडेट ही किया है, इसमें कोई भी अप मूव ज्यादा अच्छी नहीं आई है, लेकिन आज की जो मूव है उससे ये लग रहा है कि ये अभी रिसेंट के अपने लोकल हाई को ब्रेक करेगा और ऊपर की जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। इसमें काफी अच्छे वॉल्यूम बिल्डअप हो रहे हैं और इसमें RSI बिल्कुल अपने फेवर में आने के लिए रेडी है, ऐसा कह सकते हैं। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ को हम सेल करेंगे 569 से 570 के लेवल पे। इसका SL रहेगा 573। आप देख सकते हैं SL मात्र 3-4 पॉइंट का ही है और हमारे टारगेट रहेंगे 563, 557 एंड 543।
यह HDFC लाइफ का चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी स्ट्रेंथ इसमें पहले बनी हुई थी और इसके बाद में इसने जो वीकनेस अभी दिखाई है हाल फिलहाल में वो वीकनेस कंटिन्यू रह रही है, कहीं पे भी इसमें स्ट्रेंथ के साइन नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये हो सकता है चार्ट बिल्कुल रेडी है एक डाउनफॉल के लिए, एक प्रेस डाउनफॉल इसमें शुरू हो सकती है। इसमें वॉल्यूम भी नेगेटिव बिल्डअप हुए हैं और साथ साथ RSI भी 50 के नीचे है जो कि काफी फेवरेबल है डाउन मूव के लिए। HDFC लाइफ बिल्कुल नीचे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब जान लेते हैं हमारे स्विंग ट्रेड के बारे में। हमने स्विंग ट्रेड के लिए डाबर को सजेस्ट किया है, डाबर को हमने बाय के लिए सजेस्ट किया हुआ है। इसका SL है 500, इसके टारगेट है 530, 545 एंड 570। इसमें हमने बुलिश स्प्रेड बनाई हुई है, 530 की कॉल हमने बाई की हुई है और 550 की कॉल हमने सेल की हुई है। इसमें हमारा रिस्क इज टू रिवार्ड 1:2.5 का है। देख लेते हैं एक्सेल सीट, डाबर की एक्सेल सीट, और देख सकते हैं इसमें हमने 530 की कॉल को बाई किया था 10.6 के लेवल पे, आज इसका रेट है 9 रुपीज और इसमें हमें टोटल लॉस हो रहा है 1760 का। इसके अगेंस्ट हमने 550 की कॉल को शॉर्ट किया है 5.15 के लेवल पे और आज इसका रेट चल रहा है 4.25 और इसमें हमें गेन हो रहा है 990 का। तो ओवरऑल हमें 770 रुपीज का लॉस हो रहा है। जिस दिन ये वाला फिगर 4500 नेगेटिव पहुंच जाएगा उस दिन हम इससे एग्जिट कर जाएंगे और आज इसका जो प्राइस क्लोज हुआ है 515 और देख सकते हैं हमने इसमें बुलिश व्यू दिया है लेकिन इसने 4 रुपीज का लगभग 1% का लॉस अभी दिखा चुका है, लेकिन इस कॉल स्प्रेड में हमें मात्र 770 रुपीज का ही लॉस है। इस तरह से स्विंग ट्रेड करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है और बहुत ही फेवरेबल कंडीशन आपके लिए आ जाती है। इसमें लॉस भी लिमिटेड है और प्रॉफिट भी लिमिटेड है।